हेलो बच्चों, स्मार्ट मोमेंट्स के स्मार्ट स्टडीज़ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। और आज के सेशन में नए टॉपिक यूनिट नंबर 1 का फंडामेंटल ऑफ रिटेलिंग के अंतर्गत फंक्शन ऑफ रिटेलिंग को आज डिस्कस करेंगे। जी हाँ, यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 3 फंक्शन ऑफ रिटेलिंग क्लास 11 वोकेशनल एजुकेशन। तो बच्चों, आज का सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और समझते जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। रोल ऑफ रिटेलर, सबसे पहले जानेंगे इसमें रोल ऑफ रिटेलर। रिटेलर का रोल क्या है? उत्पादों को कस्टमर तक पहुंचाना, ठीक है, सही स्थान पर, सही समय पर, सही मात्रा में, ठीक है। अगर कोई कस्टमर आपके दुकान पर आया और उसे वो चीज़ नहीं मिली तो वो आपकी दुकान में दोबारा एक्सपेक्ट नहीं करेगा जाने के लिए। तो एक रिटेलर की सबसे बड़ी भूमिका होती है कि वो उचित स्थान पर, उचित समय पर और उचित उत्पाद को कस्टमर तक पहुँचाए, ठीक है। तो यह ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक उपयुक्त और प्रथम बहुत ही इंपॉर्टेंट माध्यम होता है, ठीक है। इस दृष्टिकोण से यह काफ़ी अलग अलग दृष्टिकोणों में आता है। तो ये कौन कौन से दृष्टिकोण हैं, कौन कौन से रिटेलर्स हो सकते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले जो है यूटिलिटी, यूटिलिटी ऑफ एक ऐसा उत्पाद है जो ग्राहक को स्वीकार्य होता है। मतलब बेसिकली रिटेलर्स जो होते हैं उनका रोल क्या रहता है, इस फॉर्म टू फॉर्म यूटिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट दैट इज़ एक्सेप्टेबल टू द कस्टमर्स। मतलब ग्राहकों को वो सारी चीज़ों को प्रोवाइड कराना, ग्राहकों को जो उनकी ज़रूरत है यूटिलाइज़ कर सके, जो उनके डेली लाइफ में यूज़ होता है उनको प्रोवाइड कराना। दूसरी चीज़ क्या है, यूटिलिटी ऑफ टाइम, यानी सही समय पर उसे उन्हें जिस समय पर चाहिए, जैसे उन्हें अगर शाम के समय या फिर रात के समय जो भी उनके जो समय के अनुसार अगर वो चीज़ मिल जाती है कम खर्च में या फिर कम उन्हें मेहनत से, तो वो हम बोलेंगे टाइम यूटिलिटी। मतलब उनको समय भी बच जाए, उनका वक्त भी बच जाए, साथ साथ उनकी ज़रूरत भी पूरी हो जाए, ठीक है। तीसरा आता है प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी मतलब वो सुविधाजनक स्थान उपलब्ध कराना जहाँ पर ग्राहक पहुँच सके आसानी से। और चौथी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑनरशिप यूटिलिटी, यानी चौथा स्वामित्व तब होता है जब वो उत्पाद को बेचता है, मतलब आसानी से वो बेच सके, खरीद सके ग्राहक उससे, ठीक है। तो ऑनरशिप यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी और यूटिलिटी ऑफ फॉर्म यूटिलिटी, ठीक है। तो ये चार इंपॉर्टेंट जो है रोल होते हैं रिटेलर्स के, जो वो निभाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब बात करते हैं रिटेलर्स में कौन कौन से और डिफरेंट रोल्स होते हैं, जैसे वाइड चॉइस टू द कस्टमर, कस्टमर के लिए बहुत सारे चॉइसेस उनको प्रोवाइड कराना, ठीक है। इसके साथ साथ सामानों को छोटी छोटी मात्राओं में उपलब्ध करवाना, घर पहुंच सेवा देना, होम डिलीवरी, एश्योरेंस, रेगुलर सप्लाई, है ना। और उनको ये सुनिश्चित करना, उनको भरोसा दिलाना कि आपको जो भी चीज़ों की ज़रूरत होगी हम आपके घर पर या फिर आप तक पहुंचा देंगे, ठीक है। क्रेडिट फैसिलिटी देना, यानी उधार, ज़्यादातर कस्टमर उधार पे ही जो है सामान को खरीदते हैं, तो आप क्रेडिट फैसिलिटी देते कि नहीं देते इस पे भी काफ़ी डिपेंड करता है। उसके बाद क्लोज इंटरेक्शन विद द कस्टमर्स, यानी आपके कस्टमर के साथ आपका जो है इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा क्लोज होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा जो है मिला जुला होना चाहिए, है ना, एक मेलजोल काफ़ी अच्छा होना चाहिए ताकि वो आपका रेगुलर ग्राहक बने रहे और आपकी जो शॉप है, आपका जो बिज़नेस है वो काफ़ी अच्छे से चल पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब बात करते हैं रिटेलर सर्विस टू द कस्टमर। अब रिटेलर कौन कौन सी सर्विसेज देते हैं कस्टमर्स को? सबसे पहले दे सप्लाई द गुड्स इन अ स्मॉल क्वांटिटीज टू द कंज्यूमर एट द रीजनेबल प्राइस, मतलब एक उचित मूल्य पर सामानों की पूर्ति करना और कस्टमर तक पहुँचाना, ठीक है, सप्लाई करना छोटी छोटी मात्राओं में कस्टमर तक सामानों की सप्लाई करना। दूसरा, व्यक्तिगत संबंधों, शिष्टाचार, व्यवहारिकता और ईमानदारी का अभ्यास करना, यानी टू प्रैक्टिस पर्सनल रिलेशन, कर्टिसी, अटेंटिवनेस एंड ऑनेस्टी, मतलब एक कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना, विनम्रता का स्वभाव रखना और अलर्ट रहना अपने काम के वक्त, अपने जो भी आप सामान बेच रहे हो उसके लिए पूरी तरीके से ईमानदार रहना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तीसरी चीज़ है एंटिसिपेट द कस्टमर डिमांड्स एंड मेक अवेलेबल सच स्टॉक, ठीक है। कस्टमर्स के जो भी डिमांड हैं, उनकी जो भी मांग है, उनका अनुमान लगाने की आपके पास क्षमता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कस्टमर क्या चाहता है और वो आपके स्टॉक में जल्द से जल्द अगर नहीं है तो अवेलेबल आपको कराना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ रिटेलर, ठीक है। इसके बाद बारी आती है टू गाइड द कस्टमर इन बाइंग, प्रोवाइडिंग नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। अगर कस्टमर आपके कन्फ्यूज़ है तो उसे सही जानकारी दें, ठीक है, और ताकि वो उनको सही चुनने में, सही चीज़ को ख़रीदने में उनकी मदद हो सके। आप उन्हें गलत चीज़ में गाइड ना करें, उनको सही जानकारी दें, पूरी जानकारी दें और उनकी बाइंग प्रोसेस में उनकी हेल्प करें, उनको ख़रीदने में उनकी मदद करें, ठीक है। टू प्रोवाइड रिप्लेसमेंट फैसिलिटी फॉर द डैमेज, अगर कोई चीज़ सामान ख़राब हो जाता है, वो कस्टमर आपके सामान आपके दुकान से ले गया उसके बाद घर पर वो सामान ख़राब हो जाता है, तो उसको रिप्लेसमेंट की आप उनको सुनिश्चित करें कि वो रिप्लेसमेंट भी
हो सकता है। इसके साथ साथ टू प्रोवाइड टू डिस्प्ले एंड डेमोस्ट्रेट द गुड्स टू अट्रैक्ट द कस्टमर, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक पहुँचाने के लिए उसका डिस्प्ले, उसका जो एग्जीबिशन है, उसका जो बोला जाए उसकी जो प्रदर्शनी है, उसको अच्छे से प्रदर्शित करें ताकि कस्टमर जो है उनके माइंड में क्लियर हो सके कि ये कौन सा प्रोडक्ट है और उन्हें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, उन्हें वो अट्रैक्ट हो सकें उस प्रोडक्ट की ओर। उसके बाद लास्ट आता है टू ऑफर द क्रेडिट फैसिलिटी टू रेगुलर एंड रिलायबल कस्टमर, और भरोसेमंद और रिलायबल कस्टमर्स को आप उधार भी दें ताकि वो आपके दुकान में एक लंबे समय तक आपके ग्राहक बने रहें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। रिटेलर सर्विसेज टू द होलसेलर, अब होलसेलर के प्रति क्या उनकी जिम्मेदारी है, कौन कौन सी सर्विसेज होलसेलर्स को वो देते हैं रिटेलर्स। ठीक है, टू प्रोवाइड वैल्यूएबल मार्केट इन्फॉर्मेशन विद द रिगार्ड टू टेस्ट फैशन डिमांड फॉर द गुड्स टू द होलसेलर। अब वैसे तो होलसेलर्स को पता नहीं होता कि कस्टमर्स की क्या डिमांड है, क्या उनकी मांग है, क्या वो चाहता है, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी छोटी छोटी ज़रूरतें हैं, वो होलसेलर नहीं समझ सकता, वो केवल रिटेलर ही समझ सकता है। तो रिटेलर पूरी मार्केट की जानकारी, पूरे एरिया, पूरे लोकेशन की जानकारी, सारी चीज़ें होलसेलर को बताता है कि ये इस एरिया में ये चीज़ चलता है, ये चीज़ बिकता है, ये चीज़ नहीं बिकता। ठीक है, लोगों के टेस्ट के बारे में, लोगों के रख रखाव के बारे में, लोगों के इच्छाओं के बारे में, उनके इंटरेस्ट के बारे में, उनके फैशन के बारे में, उनके ट्रेंड के बारे में, उनके डिमांड के बारे में, ये सारी जानकारी रिटेलर्स किसके पास, किनको देता है, वो होलसेलर को, क्योंकि होलसेलर के पास ये सारी जानकारी नहीं होता है, उसके अनुसार वो सामान को बल्क में डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदता है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आती है यहाँ पर, टू मेंटेन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर्स एंड सो रिलीव्स द होलसेलर विद रिगार्ड टू मेंटेनेंस ऑफ अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, मतलब वो कस्टमर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रखता है, इसलिए वो होलसेलर को यह भरोसा दिलाता है। ठीक है, या होलसेलर से सीधे संपर्क में रहता है ताकि वो सामान को तुरंत उससे उपलब्ध करा सके कस्टमर को। ठीक है, तो उनको एक कड़ी जोड़नी होती है होलसेलर और कस्टमर के बीच की, रिटेलर को। ठीक है, तीसरी चीज़ आती है, टू हेल्प द होलसेलर इन गेटिंग देयर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू द कस्टमर्स, और तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है कि रिटेलर अगर नहीं होगा तो गुड्स कैसे पहुँचेंगे कस्टमर तक, क्योंकि होलसेलर हर घर जाके बल्क में सामान को नहीं बेच सकता, कोई भी कस्टमर बल्क में नहीं खरीदता, दे बाय इन स्मॉल क्वांटिटीज, इसीलिए कंज्यूमर कस्टमर्स को छोटे छोटे क्वांटिटी में बेचने के लिए रिटेलर की आवश्यकता होती है। तो होलसेलर जो है अपने सामान को रिटेलर के माध्यम से कस्टमर तक पहुंचाता है। ठीक है, और इसके बाद आता है टू क्रिएट डिमांड्स फॉर द प्रोडक्ट बाय डिस्प्लेइंग द गुड्स टू द कस्टमर। ठीक है, अब कस्टमर के बीच वो उत्सुकता पैदा करने का काम जो है, माल को प्रदर्शित करने का काम जो है, एक रिटेलर ही करता है, होलसेलर नहीं करता, क्योंकि होलसेलर का मुख्य उद्देश्य है बल्क में बेचना किसी सामान को, किसी एक प्रोडक्ट को हाईलाइट करना नहीं है, पर रिटेलर जो है हर प्रोडक्ट को अपने तरीके से उसे डिस्प्ले कर सकता है, प्रदर्शित कर सकता है और कस्टमर के डिमांड को बना कर रख सकता है और बढ़ा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिटेलर, रिटेलर की कौन कौन सी एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। सबसे पहली चीज, एस्टैब्लिश द शॉप इन अ प्लेस वेयर द कस्टमर्स आर अट्रैक्टेड, मतलब दुकान ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां पर ग्राहक आसानी से पहुंच सके और आकर्षित हों। ठीक है, दूसरी चीज, स्टॉक द गुड्स विच आर नीडेड बाय द कस्टमर, मतलब आपके दुकान में ऐसे सामान होने चाहिए, ऐसे उत्पाद होने चाहिए, ऐसे स्टॉक्स होने चाहिए जो ग्राहकों की ज़रूरत को पूरा कर सके, अदरवाइज आपके रिटेलर होने का कोई मौजूद मतलब कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा। तीसरी चीज़, कंपीट इन प्राइस एंड क्वालिटी ऑफ द गुड्स टू बी सोल्ड, आप जो सामान बेच रहे हैं एज अ रिटेलर, आपका जो सामान की प्राइस है, उसका दाम है, उसका मूल्य है और उसकी क्वालिटी, दोनों उच्च दर्जे की होनी चाहिए। ठीक है, मतलब वो प्राइस में भी अच्छी होनी चाहिए, रिजनेबल होनी चाहिए और क्वालिटी में भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, इससे ग्राहक जो है आपके बने रहेंगे। बी फाइनेंशियली साउंड एंड कॉन्शियस ऑफ ओवर स्टॉकिंग अंडर स्टॉकिंग। ठीक है, आपको ये भी ध्यान देना है कि आप सामान बेचने में फाइनेंशियली स्टेबल हैं कि नहीं है, आपकी दुकान चलाने में आप स्टेबल है कि नहीं है फाइनेंशियली, आपको लॉस तो नहीं हो रहा है, इसका बात का भी आपको ध्यान देना है। आपकी दुकान में ओवर स्टॉकिंग या अंडर स्टॉकिंग तो नहीं है, मतलब आपकी दुकान में ज़रूरत से ज़्यादा स्टॉक तो नहीं है या फिर ज़रूरत से कम तो स्टॉक तो नहीं है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है, उस लेवल ऑफ स्टॉक को बनाए रखना है। ठीक है, इसके बाद बारी आती है अपडेट विद द ट्रेंड्स इन द मार्केट एंड इट्स पोजिशन, आपको मार्केट के ट्रेंड के साथ अपडेट होना है, मतलब कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही है, किसके माध्यम से जो है आज बिक्री आसान हो गया है, उसका पूरा आपको ध्यान देना है। लाइक आप देखेंगे डिजिटल पेमेंट आप हो गया, पेटीएम के थ्रू हो गया है ना, फोन पे के माध्यम से, भीम पे के माध्यम से, यूपीआई पेमेंट के माध्यम से, को काफ़ी डिजिटल कैश का ज़माना है आजकल, तो इस वजह से अब मार्केट के साथ ट्रेंड के साथ आपको अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। इससे कस्टमर इनकन्वीनियंट भी नहीं होगा, आप भी इनकन्वीनियंट नहीं होंगे और उनको आसान हो जाएगा सामान परचेस करने के लिए। ठीक है, इसके बाद बारी आती है एनश्योर विंडोज डिस्प्ले एंड काउंटर डिस्प्ले टू प्रमोट सेल्स, आपको ये भी सुनिश्चित करना होगा
कि एक प्रदर्शनी का एक अलग सेक्शन हो जहाँ पर प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर दिया किया जा रहा हो, और साथ साथ काउंटर डिस्प्ले भी हो जहाँ पर सेल को प्रमोट किया जा रहा हो, उस प्रोडक्ट के सेल को प्रमोट किया जा रहा हो। ये बात बिल्कुल ज़रूरी है, ठीक है। बिक्री को बढ़ावा देना और विंडो डिस्प्ले काउंटर डिस्प्ले को सुनिश्चित करना कि कस्टमर जो है आसानी से उस चीज़ को पहचान सके और उसको खरीद सके, ठीक है। क्योंकि वो जो भी चीज़ प्रदर्शित होगी उससे वो जानकारी लेगा और जानकारी लेने के बाद उस चीज़ को खरीदेगा। लास्ट है ऑलवेज बी एक्सेसिबल टू द कस्टमर, और हमेशा कस्टमर के साथ जो है आपसे और कस्टमर की जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कस्टमर आपके पास आसानी से पहुँच सके इतनी डिस्टेंस आपके दुकान की होनी चाहिए कस्टमर से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, डिफरेंट फंक्शंस ऑफ रिटेलर। अब रिटेलर के कौन कौन से फंक्शंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। रिटेलर के भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, ठीक है। सबसे पहला फंक्शन है बाइंग एंड असेंबलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देना। बाइंग मतलब हो गया खरीदना और असेंबल करना मतलब होगा इकट्ठा करना। अब रिटेलर क्या करता है, उसके पास इतने सारे रेंज के, इतने वेराइटीज़ के प्रोडक्ट कैसे आते हैं और वो कैसे कस्टमर के रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेता है, इतने बड़े लेवल के कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट को, ये इसलिए कर पाता है क्योंकि रिटेलर जो है अलग अलग होलसेलर के पास जाकर, अलग अलग मैन्युफैक्चर से मिलकर और होलसेलर के माध्यम से वो प्रोडक्ट को इकट्ठा करता है, ठीक है। मैन्युफैक्चर से होलसेलर खरीदता है और वो रिटेलर जो है होलसेलर से खरीदता है, अलग अलग होलसेलर से। तो इस तरीके से वो सारे प्रोडक्ट को एक छत के नीचे, एक अपने दुकान के नीचे अंदर वो पूरा जमा लेता है, यानी असेंबल कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है। तो सोचो ये कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि वो कस्टमर के डिफरेंट वेराइटीज़ को पूरा कर सके, डिफरेंट डिमांड को पूरा कर सके और डिफरेंट वेराइटीज़ का प्रोडक्ट जो है अपने दुकान पर रख सके, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है वेयर हाउसिंग एंड स्टोरिंग। वेयर हाउसिंग का मतलब होता है एक जहाँ पर इन्वेंट्री, जहाँ पर सामान को रखा जाता है, ठीक है। और स्टोरिंग मतलब जहाँ पर जैसा उसको रखना चाहिए, ठीक है। आफ्टर परचेस ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है, दिस असेंबल हैव टू बी स्टोर्ड बाय द रिटेलर सो दैट दे आर हेल्ड इन द रिजर्व स्टॉक आउट ऑफ विच कस्टमर रिक्वायरमेंट आर मेट, ठीक है। अब रिटेलर को भी एक ऐसा जो है वेयर हाउस या इन्वेंट्री बनाना होता है जहाँ पर वो सामान को एक साथ स्टोर करके रख सके। इससे जो है उनको सहूलत होती है कस्टमर के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, और वो जब चाहे वो स्टॉक को, जो रिजर्व स्टॉक है उसको एक्टिव स्टॉक में ले आए और विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी इंटरप्शन उनकी सेलिंग जो है आसानी से चलती रहे, मतलब वो आसानी से सामान को कम क्वांटिटी में बेचते रहें, ठीक है। उन्हें बार बार होलसेलर के पास जाने की जरूरत ना पड़े, तो उनको भी स्टॉक मेंटेन करना होता है एज अ वेयर हाउसिंग एंड स्टोरिंग फंक्शन ऑफ अ रिटेलर, ठीक है। इसके बाद बारी आती है बच्चों ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग। ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है इस रिटेलर का। इसमें क्या होता है, रिटेलर हैज़ टू सॉर्ट आउट द डिफरेंट टू लॉट्स ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्ट लेफ्ट अनग्रेडेड बाय द प्रोड्यूसर और होलसेलर। ही मस्ट मेक अरेंजमेंट फॉर प्रॉपर पैकेजिंग ऑफ गुड्स विच आर सोल्ड इन अ लूज एंड ऑन इन स्मॉल लॉट्स ऑफ अ कन्वीनियंस ऑफ अ कस्टमर। इस बात का भी उनको ध्यान देना होता है रिटेलर को कि कोई भी प्रोडक्ट लूज प्रोडक्ट ना हो, मतलब कोई भी प्रोडक्ट जो है पूरी तरीके से पैक्ड हो, इस बात का पूरा ध्यान दें, डैमेज ना हो, कोई लूज प्रोडक्ट ना हो या फिर कोई स्क्रैप वाला प्रोडक्ट ना हो, कटा फटा ना हो या एक्सपायर्ड वाला प्रोडक्ट ना हो। इस बात की पूरी जानकारी उन्हें लेनी होती है होलसेलर या मैन्युफैक्चरर से। तो गुड्स को खरीदते समय वो पूरा ध्यान रखते हैं इस चीज़ को, जब वो एक साथ सामान खरीदते हैं उनका पूरा ध्यान रखते हैं कि कस्टमर्स को कोई भी प्रकार का इनकन्वीनियंट ना हो, और इस वजह से वो पूरा अरेंजमेंट प्रॉपर तरीके से पैकेजिंग को ध्यान में रखकर करते हैं और वो खरीदने से पहले सारी बातों का ध्यान देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है ग्रेडिंग और पैकेजिंग, मतलब उसका जो लेवल है, उसकी जो क्वालिटी है वो ग्रेडिंग अपग्रेडेड है कि नहीं है और साथ साथ पैकेजिंग अच्छी है कि नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है सेलिंग। सेलिंग इज द मेन पर्पस ऑफ रिटेल बिजनेस। व्हाई इट इज मेन पर्पस, बिकॉज अल्टीमेटली कस्टमर तक पहुंचाने का काम एक रिटेलर करता है, ठीक है। रिटेलर्स जो है उन्हें बाइंग एजेंट भी कहा जाता है, ठीक है। कस्टमर का बाइंग एजेंट भी कहा जाता है, जो कस्टमर को सामान बेचता है, प्रोड्यूसर से और से खरीदता है, मैन्युफैक्चरर से खरीदता है, ठीक है। और मतलब वो अल्टीमेटली रिटेलर जो है सामान को मैन्युफैक्चर से कस्टमर तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। और सभी का जो इनकम स्रोत है वो उसी से जुड़ा हुआ है रिटेलर से, ठीक है। मतलब जो भी फ़ायदा, जो भी प्रॉफिट होता है वो रिटेलर के बिना नहीं हो सकता। आप सामान किसको बेचेंगे, होलसेलर सामान को डायरेक्ट कस्टमर तक नहीं पहुंचा सकता, तो उनके लिए, उसके लिए रिटेलर की ज़रूरत पड़ती है। तो सबका जो मेन बोला जाए, वो बेस जहाँ से इनकम होती है वो रिटेलर ही है, ठीक है। तो सेलिंग जब तक नहीं होगी, सामान बिकेगा नहीं तो बिजनेस होगा नहीं, बिजनेस नहीं होगा तो पैसा नहीं आएगा और कंपनी जो है आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि रिटेलर जो है सामान को कस्टमर तक सही तरीके से पहुँचाए, सही समय पर पहुँचाए, उचित स्थान पर पहुँचाए, ठीक है। इसके बाद बारी आती है रिस्क बियरिंग की। रिस्क बियरिंग, खुदरा विक्रेता को माल की भौतिक गिरावट और मूल्य में गिरावट का जोखिम उठाना पड़ता है, ठीक है। आप देखेंगे कि कई बार रिटेलर को बहुत सारे जो सामान खराब हो जाते हैं, उनकी जो वैल्यू ख़त्म हो जाती है, एक्सपायर्ड हो जाते हैं,
उसका रिस्क भी उठाना पड़ता है, क्योंकि कई बार रिटेलर को वो जो है दोबारा जो एक्सपायर्ड हो गया सामान को दोबारा वापस नहीं बेच सकता या फिर होलसेलर को वापस नहीं कर सकता, तो उसका भरपाई उन्हें करना होता है, ठीक है। और कस्टमर के डिमांड को बनाए रखने के लिए वो सारे अच्छे स्टॉक्स को रखने की कोशिश करता है, जो एक्सपायर्ड स्टॉक है उसको अलग कर कर वो रखता है, तो इससे बहुत ज़्यादा वो रिस्क लेता है। इसके साथ साथ दूसरे रिस्क और आ जाते हैं, जैसे आग लगने का डर हो गया, चोरी हो गया, है ना, सामान ख़राब हो जाने का डर हो गया, प्राइस फ्लक्चुएशन हो गया, जो दाम का मूल्य का उतार चढ़ाव हो गया, ये सारे रिस्क रिटेलर को झेलने होते हैं, ठीक है। द प्रोडक्ट्स दैट आर स्टोर्ड आर सब्जेक्टेड टू द यूजुअल रिस्क ऑफ फ्लड्स एंड अदर नेचुरल कैलामिटीज। जो प्रोडक्ट वो अपने दुकान पे रखा हुआ है उसका भी क्या है, वो भी रिस्क में होता है, क्योंकि उनके दुकान में जो रखा हुआ है हो सकता है वो बारिश की वजह से ख़राब हो जाए, हो सकता है कोई नेचुरल क्लाइमेटिस आ जाए, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, तो उससे काफ़ी नुकसान हो सकता है, वो काफ़ी रिस्क में रहता है। दूसरी रिस्क है रिस्क ऑफ स्पॉयलेज, यानी कोई चीज़ को ख़राब होने का डर। आप जानते हैं कई प्रोडक्ट जो है एक्सपायरी डेट होते हैं तो नेचुरली कई चीज़ें ख़राब हो जाती है, तो उसमें रिटेलर कुछ नहीं कर सकता, वो कोशिश करता है उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक सुरक्षित रखने की, ठीक है। रिस्क ऑफ चेंज इन फैशन इज़ वेरी रियल रिस्क टू अ रिटेलर रिटेल ट्रेड, ठीक है। अब देखो आज के डेट में जो समय जो है काफ़ी बदलता जा रहा है, समय के बदलने के साथ साथ लोगों के ट्रेंड्स भी बदलते जा रहे हैं, उनके फैशन भी बदलते जा रहे हैं, उनके शौक भी, उनके डिमांड्स भी बदलते जा रही हैं, तो रिटेलर को भी ये सब चीज़ को अपने आप को अपडेट करना ज़रूरी होता है, तो उसका भी रिस्क जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। बच्चों इसमें आगे आता है प्रोवाइडिंग फिनेंस, मतलब फिनेंस मतलब आपको उनको क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल करवाना है, मतलब खुदरा विक्रेताओं को उपभोक्ताओं को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रभाव में क्रेडिट का बिक्री का अर्थ यही है कि डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के माध्यम से उत्पाद जो है सुविधाजनक तरीके से कस्टमर तक पहुँचाने के लिए उनको उधार में भी कई बार देना होता है, यानी रिटेलर्स को कस्टमर को क्रेडिट फैसिलिटी भी देनी होती है, यानी उधार भी देना होता है। इससे जो है फ्लो ऑफ प्रोडक्ट बना रहता है और साथ साथ मार्केटिंग चैनल भी काफ़ी स्मूथली चलता रहता है और रिटेलर आसानी से कंट्रीब्यूट कर पाता है इस प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। इसके बाद बारी आती है सप्लाई ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन। सप्लाई ऑफ मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ रिटेलर। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज आप देखेंगे हर चीज़ आज की डेट में मार्केटिंग हो चुकी है, ठीक है। रिटेलर्स आर बीन टच विद द कस्टमर प्रोवाइडिंग अ नॉलेज टू द कस्टमर अबाउट द डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड यूज ऑफ द प्रोडक्ट्स ओल्ड प्रोडक्ट। मतलब रिटेलर को आप ये केवल ये नहीं कि दुकान बैठे रहना है और सब कस्टमर आएगा सामान लेगा, ऐसा नहीं है। आज की डेट में रिटेलर को फ्री जानकारी कस्टमर को देना, उनको सही प्रोडक्ट सजेस्ट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छे प्रोडक्ट्स को बताना, नए सामान की जो है उसका प्रचार प्रसार करना, उनके बिहेवियर को समझना, कस्टमर्स के उनके टेस्ट को समझना, उनके फैशन को डिमांड को समझना, ये बहुत ही ज़रूरी है समय के साथ अगर आपको ग्रोथ करना है, प्रोग्रेस करना है तो एज अ रिटेलर, तो ये बहुत ज़रूरी है। उससे आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको कस्टमर की मिल जाएगी और उससे जो है कस्टमर के डिमांड को फुलफिल करने, उनके मार्केटिंग प्रोसेस को और बेहतर बनाने के लिए मदद मिलती है, ठीक है। इससे कस्टमर को आसानी से गाइड किया जा सकता है, उनको बेहतर चॉइस से उनकी बाइंग प्रोसेस को बहुत ही ज़्यादा लर्निंग एक्सपीरियंस बनाया जा सकता है, एक यादगार एक्सपीरियंस बनाया जा सकता है, ठीक है। और मार्केट इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी जानकारी किनको दिया जाता है? होलसेलर और रिटेलर, सॉरी होलसेलर और मैन्युफैक्चरर को, क्योंकि मैन्युफैक्चरर और होलसेलर को पता नहीं होता कि कस्टमर की क्या डिमांड है, क्या टेस्ट है, क्या फैशन है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो सारी जानकारी कौन देता है? रिटेलर, यानी मार्केट के सारे इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कराने का काम कौन किसका है? रिटेलर का है। रिटेलर ही सबको ये जानकारी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। इसके बाद बारी आती है बच्चों प्रोवाइडिंग सेल्स प्रमोशन। प्रोवाइडिंग सेल्स प्रमोशन का मतलब हो गया रिटेलर डिस्प्ले द गुड्स इन द रैक्स ऑफ द रिटेल स्टोर, दे कैरी आउट द पब्लिसिटी थ्रू द शॉप डेकोरेशन विंडो डिस्प्ले, दे मेंटेन द डायरेक्ट एंड पर्सनल कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर, दे परसुएड कस्टमर टू बाय गुड्स टू द पर्सनल सेलिंग, यानी अब सेल प्रमोशन कैसे करता है? रिटेलर के पास तो ऐसा कुछ है नहीं, तो रिटेलर क्या करता है, सारी जानकारी को बताने से पहले अपने सारे सामानों को व्यवस्थित तरीके से पूरे दुकान में रखता है, एकदम ऐसे व्यवस्थित तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से वो रैक पर सारे सामानों को डिस्प्ले करता है, सजा कर रखता है, ठीक है, ताकि कस्टमर जो है अगर उसकी दुकान में आए तो उसकी नज़र सीधे अगर उसने जो चीज़ चाहिए उसी रैक पर वो उसकी नज़र पड़े, तो इससे काफ़ी आसान हो जाता है विंडो डिस्प्ले से और शॉप डेकोरेशन से कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं और सामान को खरीदने में उन्हें आसानी होती है और इससे कस्टमर को परसुएट करने कन्वेंस करने में काफ़ी मदद मिलती है, ठीक है, तो ये पर्सनल सेलिंग में काफ़ी हेल्प करता है। इसके साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है अरेंजिंग द ट्रांसपोर्टेशन। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है बच्चों कि कई बार होता है कि ट्रांसपोर्टेशन यानी जो भी सुविधाएं हैं रिटेलर जो को ट्रांसपोर्टेशन की का जो कॉस्ट है उसको भी बेयर करना पड़ता है, यानी जो सामान वो मंगाता है होलसेलर से या मैन्युफैक्चरर से
वो सब उन्हें ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से भेजा जाता है। अब ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कौन बियर करेगा? वो बियर करेगा रिटेलर, है ना। उसको तो होलसेलर थोड़ी देगा, उनको रिटेलर को ही देना होता है उसकी कॉस्ट को, ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट को। जो भी सामान किसी गाड़ी के माध्यम से आ रहा है, किसी ट्रक के माध्यम से, लॉरी के माध्यम से आ रहा है, किसी भी माध्यम से आ रहा है, वो सारे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को रिटेलर को बियर करना होता है, ठीक है। अब इसमें डिलीवरी एक्सपेंसेस भी आ जाते हैं, साथ साथ जो है कस्टमर तक पहुँचाना है उसके एक्सपेंसेस भी आ जाते हैं, तो सारी चीज़ों को ये बियर करना पड़ता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती है देखिए, फ्रॉम द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू बात करें, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू मतलब कस्टमर किस तरीके से अगर सोचता है, कस्टमर किस तरीके से सोचता है रिटेलर के बारे में, वो कौन कौन से फंक्शन है जो कस्टमर सोचता है रिटेलर के होते हैं। तो पहला है अरेंजिंग असॉर्टमेंट, यानी मैन्युफैक्चर जो सामान को बना दिया, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बना दिया, उसको सेल करने का जो काम है वो कौन करता है? रिटेलर करता है, ठीक है। और जो मैन्युफैक्चर जो सामान को बेचना चाहता है वो रिटेलर के माध्यम से ही फाइनल कस्टमर तक पहुँचता है इन द फॉर्म ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। दूसरा है ब्रेकिंग द बल्क, यानी जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को बचाकर मैन्युफैक्चरर और होलसेलर टिपिकली शिप द लार्ज कार्टून्स ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। कई बार क्या करते हैं जो मैन्युफैक्चरर और होलसेलर है वो कई बार उस चीज़ को शिप कर देते हैं, मतलब शिपिंग के माध्यम से रिटेलर तक पहुंचा देते हैं, और इससे रिटेलर के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाते हैं और साथ साथ वो कस्टमर के डिमांड को आसानी से पूरा कर पाता है। तो वो इस कारण ब्रेकिंग द बल्क एक अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत सारे सामानों को कम क्वांटिटी में कस्टमर तक को पहुंचाता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं होल्डिंग स्टॉक्स, यानी रिटेलर को भी मेंटेन करना होता है अपना इन्वेंट्री, अपना स्टॉक, जिससे वो इंस्टेंटली कस्टमर के डिमांड को अवेलेबिलिटी के रूप में बदल सके, यानी जल्दी अवेलेबल करवा सके प्रोडक्ट को, तो ये भी उनको ध्यान देना होता है, और प्राइस को भी स्टेबल रख सकते हैं, ये भी चीज़ों को उनको ध्यान देना होता है। यानी प्रमोशनल सपोर्ट भी ज़रूरी है, प्रमोशनल सपोर्ट यानी स्मॉल क्वांटिटीज जो रिटेलर सेल करता है वो उसमें सारी चीज़ें असिस्ट हो जाती है, ठीक है। और असिस्टेंस किसमें प्रोवाइड करता है? स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स कैन ऑल्सो यूज रिटेलर टू प्रोवाइड असिस्टेंस विद द ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, एडवर्टाइजिंग, प्री पेमेंट ऑफ मर्चेंडाइजिंग। कई बार जो है प्रमोशनल सपोर्ट किसके द्वारा दिया जाता है? मैन्युफैक्चरर के द्वारा, कि कोई भी रिटेलर अगर उसका सामान को बेच रहा है तो उसे प्रमोशनल सपोर्ट भी दिया जाए, यानी उसके ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, उनके स्टोरेज का खर्चा, उनका एडवर्टाइजिंग का खर्चा, वो सारे जो खर्चे हैं वो कौन बेयर करता है? मैन्युफैक्चरर। तो ये एक बेनिफिट हो जाता है होलसेलर के, सॉरी रिटेलर के लिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, प्रमोशनल सपोर्ट भी उन्हें मिल जाता है, ठीक है। अब रिटेलर कैसे मदद करता है एक मैन्युफैक्चरर की, तो रिटेलर कैसे मदद करता है, तो एक तो सबसे पहले जो है सामान को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम फाइनल कस्टमर तक वो पूरा करता है कौन? रिटेलर, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर का एक काम आसान हो जाता है। दूसरा, क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग चैनल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू द कस्टमर, मतलब कस्टमर की जानकारी, मार्केट की सारी जानकारी कौन देता है? रिटेलर। किसको देता है? मैन्युफैक्चरर को देता है। तो ये चैनल जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसको स्मूथली चलाने का काम किसका है? रिटेलर का। तो ये मैन्युफैक्चरर को भी काफ़ी बेनिफिट में मिलता है, ठीक है। तीसरी चीज़, एक्ट एज अ फाइनल लिंक इन द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ठीक है। और रिटेलर जो है कस्टमर तक पहुँचने का सबसे आखिरी माध्यम है, ठीक है, फाइनल लिंक है। अगर वो लिंक टूट गया तो पूरा चैन टूट जाएगा, ठीक है। और लास्ट है रिकमेंडिंग द प्रोडक्ट वेयर द ब्रांड लॉयल्टी इज़ नॉट सो स्ट्रॉन्ग फॉर अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स, और जिस प्रोडक्ट की कोई जानकारी नहीं होती वो सारी जानकारी कौन प्रोवाइड कराता है? रिटेलर कस्टमर्स को, ठीक है। मतलब जिसके बारे में कस्टमर नहीं जानता उसकी सारी जानकारी मैन्युफैक्चरर आके नहीं बताता, वो सारा प्रमोशन, सारा जो दामोदार है वो कौन लेता है? रिटेलर लेता है। तो रिटेलर जो है एज अ एडवर्टाइज़र भी काम करता है, एज अ उसको प्रमोट भी करने का काम करता है, ताकि वो मैन्युफैक्चर का प्रोडक्ट जो है, मैन्युफैक्चरर का वो प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा सेल हो सके, लोगों उसके बारे में उनकी डिमांड जो है और मार्केट में बढ़ सके, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका मैन्युफैक्चरिंग कर सके। तो पूरी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग जो है रिटेलर पर डिपेंड भी करता है, ठीक है, क्योंकि ये ऑल टुगेदर एक ट्रस्ट का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो बच्चों, इस सेक्शन में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि ये सेक्शन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और इसे आप कॉपी में नोट कर लीजिए, और अगर कोई डाउट्स हो आपके सेशन से रिलेटेड तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए स्मार्ट मोमेंट्स विद द स्मार्ट स्टडी, और पढ़ते रहिए, खुश रहिए।